गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक द अपेरेंट पोजीशन, व्हाई द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन फॉर क्लास 10। ओके, सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज under chapter the human eye and colorful world that is advanced sunrise and delayed sunset, yani ki advanced sunrise aur delayed sunset, iska matlab kya hua ki hame jo surya hai jab ye uday hota hai yani ki sunrise hota hai to actual jo sunrise hota hai usse jo hai pehle hame kya hota hai ye sunrise jo hai dikhai deta hai, ठीक है। और दूसरा जो है क्या डिलेड सनसेट का मतलब क्या हुआ कि सूर्य के अस्त होने के बाद यानी कि सनसेट होने के बाद भी हमें सूर्य जो है दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी को एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट कहा गया है, ठीक है। और इसके कारण जो ड्यूरेशन ऑफ डे है उसमें जो है कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ ये हम कह कि दो मिनट जो है सनराइज में जो है यानी कि दो मिनट पहले हम जो है सनराइज को देख लेते हैं और सनसेट के समय दो मिनट बाद तक जो है तब भी हम जो है सनसेट को देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक डे में एक दिन में जो है फोर मिनट का ड्यूरेशन जो है क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे आखिर ये कैसे जो है ये होता है। तो ये सभी जो है क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही एग्जांपल्स हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। हम जो है अर्थ पे क्या रहते हैं और ये अर्थ जो है ये सपोज है ये सूर्य है ठीक है। तो ये अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम अर्थ पे जो है क्या कर रहे होते हैं अर्थ जब घूमती है तो हम भी इसके साथ जो है उसी स्पीड से घूमते रहते हैं, इसीलिए जो है हमें अर्थ की स्पीड का पता नहीं चलता है और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है हमारे या पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रही है घूम रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सूर्य जो है सन के चारों तरफ जो है घूमती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो सपोज दैट कि अर्थ में कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है मौजूद है, ठीक है, जिसको हम हॉरिजन कह सकते हैं कि और हम ये कहेंगे कि अर्थ के हॉरिजन से नीचे यानी कि अगर हॉरिजन का मतलब क्या हो कि अगर इस अर्थ से जो है हम एक टेंजेंट खींचे, ठीक है, अर्थ के का जो सरफेस है उसे जो है टेंजेंट खींचे या स्ट्रेट लाइन खींचे तो इसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजन, ठीक है। तो इस हॉरिजन के नीचे जो है अगर सन मौजूद है, ठीक है, तो इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो सन को देख नहीं पाता है, ठीक है, यानी कि वो जो है सनराइज के फिनोमेनन को घटना को वो जो है देख नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी वो क्या करता है दो मिनट यानी कि सूर्य को जो है वो सनराइज होने से दो मिनट पहले वो क्या कर लेता है देख लेता है। कैसे देख लेता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ से कहते हैं कि थिक एयर लेयर है, ये बहुत ही मोटा जो है एयर के लेयर है। जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं एयर लेयर जो है कम होते जाते हैं, या हम ये कहें कि एयर लेयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है कम होती जाती है। और जैसे जैसे अर्थ के करीब आते हैं वहाँ पे एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इंक्रीज कर दी जाती है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जब सूर्य हॉरिजन के नीचे मौजूद होता है तो यहां से रे जो है चलती है, ठीक है, और जैसे ही इस थिक एनवायरनमेंट में आएगा तो वहां पे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है चूंकि एयर की बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के दौरान ये लाइट जो है अपने नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा जो है बेंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सपोज है ऐसे टू रेज है तो ये बहुत ज्यादा जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा और ये सीधा जो है ऑब्जर्वर के पास आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको अगर हम पीछे की तरफ जो है बढ़ाए तो ये दो लाइन जो है एक दूसरे को जो है इंटरसेप्ट करती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, और वो ऑब्जर्वर जो है सूर्य को यहाँ ना देख कर जो है सूर्य को कहाँ देखेगा, यहाँ पे जो है देखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण जैसे ही सूर्य की रेज जो है यहाँ पे चली, अर्थ के चारों तरफ जो एयर लेयर है, जो थिक एयर लेयर है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत अधिक होती है, तो जैसे ही वो इस एयर अर्थ के एनवायरमेंट में जो है लाइट इंटर करेगा तो बहुत ज्यादा जो है क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है ऑब्जर्वर की आइज में आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एनवायरमेंट नहीं होगा, वैक्यूम नहीं होता, वैक्यूम होगा सबको दैट तो ये लाइट क्या होता आगे निकल जाता और जो है ऑब्जर्वर को ये सूर्य जो है दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एयर मौजूद होने के कारण या एयर लेयर मौजूद होने के कारण जो है ये लाइट यहाँ से क्या होती है बेंड करती है और सीधा ऑब्जर्वर के पास पहुँचती है, और ऑब्जर्वर जो है जब हम इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो जो ऑब्जर्वर को जो सूर्य है वो यहाँ पे यानी कि अपने एक्चुअल पोजिशन से वो ऊपर जो है दिखाई देता है। जब यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो है कैलकुलेशन किया गया तो 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये कहा गया कि हम जो ऑब्जर्वर होता है या हम जो होते हैं वो सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही हम सूर्य को देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सनसेट के समय भी ऐसा होता है, सनसेट के समय में क्या होता है, सपोज दैट सूर्य यहां पे है, ठीक है, लेकिन सॉरी सपोज दैट सूर्य जो है हॉरिजन के नीचे आ गया, ठीक है, हॉरिजन के नीचे आ गया यानी कि सूर्य जो है अस्त हो गया, लेकिन इसी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण हम सूर्य को क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, यानी कि सूर्य हमें ऐसा होता है कि अभी भी जो है अस्त नहीं हुआ है, ठीक है, और सेम जो है टाइम ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लगता है, और इस तरह जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है एक दिन में वो 4 मिनट का डिफरेंस जो है आता है, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द फिनोमेनन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये आई हैव एक्सप्लेन इट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।